हाई गाइज वेलकम बैक टू पाइथन कोर्स वी ऑलरेडी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट वॉल रस ऑपरेटर जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे देखिए अब तक हमने स्मॉल एक्सप्रेशन का यूज़ किया है जिसमें एक ही ऑपरेटर है एंड दो ऑपरेंट्स हैं लेकिन कंसिडर एक्सप्रेशन कंटेंस मोर देन टू ऑपरेटर्स मेरे पास एक एग्जाम्पल है टू प्लस थ्री इंटू फाइव तो इसमें दो ऑपरेटर से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैन रिजल्ट इंटू टू वैल्यू सबसे पहले अगर प्लस ऑपरेटर इवेलुएट होता है इट विल बी टू प्लस थ्री फाइव फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव रिजल्ट आ जाएगा लेकिन सबसे पहले अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन एंड देन टू ऐड हो जाएगा टू प्लस फिफ्टीन सेवनटीन रिजल्ट आएगा सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैन रिजल्ट इनटू टू वैल्यूज सो इसमें से करेक्ट वैल्यू कौन सा है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है जब वी हैव एक्सप्रेशन कंटेनिंग मल्टीपल ऑपरेटर्स पाइथन इसके साथ डील करता है विथ वन रूल

सपोज एक्सप्रेशन कंटेंस मल्टीपल ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेटर्स तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा ऑर्डर क्या होगा इवेल्यूएशन का ये स्पेसिफाई करता है प्रिसीडेंस रूल सो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो ऑपरेटर हैं प्लस एंड एस्टरिस्क। तो इस केस में एस्टरिस्क को सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा बिकॉज इस ऑपरेटर का जो प्रिसिडेंस है जो प्रायोरिटी है वो प्लस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है सो सबसे पहले होगा मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू फाइव आएगा सेवनटीन एंड देन इसमें टू ऐड होगा टू प्लस सेवनटीन विल रिजल्ट इन टू नाइनटीन सो वॉट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन टू ऑपरेटर्स देर इज अ रूल ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन सभी लैंग्वेजेस में होता है इट गाइड्स द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर कैरिड आउट इट स्पेसिफाइज विच ऑपरेटर विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट कौन सा ऑपरेशन पहले किया जाएगा ऑपरेशन का जो ऑर्डर है वो स्पेसिफाई करता है प्रिसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स रूल सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशिएशन इस ऑपरेटर का है सपोज एनी एक्सप्रेशन कंटेंस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर तो सबसे पहले इसे इवेलुएट किया जाएगा देन बाकी ऑपरेटर्स को इवेलुएट किया जाएगा पाइथन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और प्रिसीडेंस किस ऑपरेटर का है तो एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर का है देन वी हैव यूनरी पॉजिटिव यूनरी निगेटिव एंड बिटवाइज निगेशन ऑपरेशन देन नेक्स्ट प्रिस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, फ्लोअर डिवीजन एंड मॉड्यूलोर ऑपरेटर का देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देन बिटवाइज शिफ्ट बिटवाइज एंड बिट एक्स और एंड बिट और बिट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और प्रिसडेंस बिट निगेशन ऑपरेटर का है देन वी हैव कंपेरिजन आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स देन बुलियन ऑपरेटर्स सबसे पहले नॉट देन एंड एंड देन और एंड देन वी हैव वॉलरस ऑपरेटर इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे सो दिस इज द टेबल जिसका पाइथन यूज करता है इंटरनली फॉर इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन टू ऑपरेटर्स अगर आपको मैन्युअली एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है उस केस में आप इसी टेबल का यूज करेंगे जो ऑपरेटर्स एक ही रो में प्रेजेंट है इस केस में देखिए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फ्लोअर डिविजन मॉड्युलर ऑपरेटर एक ही रो में प्रेजेंट है इसका मीनिंग ये है कि सभी ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सेम है देन सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है विच कंटेन्स टू ऑपरेटर्स फ्रॉम दिस रो लेट्स कंसिडर दिस एक्सप्रेशन फाइव देन डिवाइडेड बाय थ्री तो मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट होगा या डिवीजन ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा यह एक और रूल कॉल्ड एज विल लर्न अबाउट दैट बट उस केस में असोसिएटिविटी का हम यूज करेंगे असोसिएटिविटी टू टाइप्स की होती है लेफ्ट टू राइट एंड अनादर वन इज राइट टू सो ये जो दो ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है लेफ्ट टू राइट मीन्स जो सिंबल जो ऑपरेटर लेफ्ट में होगा उसे इवेल्युएट किया जाएगा इस केस में मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर लेफ्ट में है सो टू इंटू फाइव टेन होगा एंड देन डिविजन किया जाएगा वैल्यू थ्री वट इज एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स वेन टू ऑपरेटर्स आर हैविंग सेम प्रस असोसिएटिविटी हेल्प्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ इवेलुएशन एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी है जो प्रिसिडेंस है वो सेम है दोनों एक ही रोल से बिलोंग करते हैं फ्राम द प्रिसडेंस टेबल तो उस केस में सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा इवेल्युएट किया जाएगा ये डिटरमाइन करता है असोसिएटिविटी रूल दिस इज एग्जाम्पल वी हैव देखिए इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन एंड फ्लोअर डिविजन ऑपरेटर्स का यूज हुआ है दोनों का प्रायोरिटी प्रेसिडेंस सेम है दोनों एक ही रो में प्रेजेंट है इन प्रेसिडेंस टेबल तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा इवेल्यूएट होगा देर आर टू टाइप्स ऑफ एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट अल्म सभी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर एंड फ्लोअर डिविजन की जो एसोसिएटिविटी है वो भी लेफ्ट टू राइट है सो so, इसीलिए इस केस में मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट होगा टू इंटू थ्री होगा सिक्स एंड देन फ्लोर डिवीजन किया जाएगा टू के साथ अगर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर की जगह पर होता एंड मल्टीप्लीकेटिव यहाँ पे होता तो फ्लोर डिवीजन सबसे पहले होगा बिकॉज लेफ्ट वाला ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट होगा इफ सेम प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस देर आर सम ऑपरेटर्स एक्सपोनशिएशन है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है सो देर आर वेरी फ्यू ऑपरेटर्स जिनका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है बाकी सभी ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है देखिए आप ये ऑर्डर कभी भी ओवर कर सकते हैं लेट्स कंसिडर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है टू प्लस थ्री इंटू फाइव हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी सबसे पहले थ्री इंटू फाइव किया जाएगा बट आई वॉन्ट टू प्लस थ्री टू बी परफॉर्म फर्स्ट इस केस में पैरंथीसिस का यूज करके हम ये कर सकते हैं सो टू प्लस थ्री को पुट करना है पैरेंथीसिस के अंदर इस केस में वॉट एवर प्रेजेंट इन द पैरंथेसिस उसे सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा सो so, इस केस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा बल्कि एडिशन पहले होगा टू प्लस थ्री फाइव एंड देन मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर फाइव फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव रिजल्ट मिलेगा सो पैरथेसिस ओवरराइड करता है प्रिसिडेंस के ऑर्डर को सबसे पहले वॉट एवर एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन द पैरंथेसिस उसे इवेल्युएट किया जाएगा एंड देन बाकी की ऑर्डर आ जाएगी कभी कभी पैरंथेसिस का यूज़ रिडेबिलिटी इनक्रीज करने के लिए भी किया जाता है एवरी टाइम इसका ओवरराइड करना यही पर्पज़ नहीं होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ लेट्स कंसिडर थ्री इज ग्रेटर देन टू एंड देन आई हैव लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड टेन इज़ लेस दैन फाइव कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है अगर आप प्रिस टेबल देखेंगे तो कंपेरिजन ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है प्रिसिडेंस से वो लॉजिकल एंड से ज़्यादा है सो so, सबसे पहले ये इवेलुएट किया जाएगा थ्री इज ग्रेटर दैन टू एंड आंसर इज ट्रू ये ट्रू है देन एंड टेन इज लेस दैन फाइव दिस इज़ फॉल्स एंड देन एंड ऑपरेटर इवेल्युएट किया जाएगा ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आएगा एनी थिंग फॉल्स इन एंड रिजल्ट विल भी फॉल्स तो फाइनली फॉल्स आ गया अब सपोज मैं यहाँ पे थ्री इज ले ग्रेटर दैन टू को पुट करता हूँ इन पैरंथेसिस दिन एंड ऑपरेटर एंड टेन इज लेस दैन फाइव को पुट करता हूँ पैरंथेसिस के अंदर रिजल्ट वही रहेगा तो so, इस केस में सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा व्हाट एवर प्रेजेंट इन द पैरंथेसिस ट्रू आएगा एंड व्हाट ऐवर प्रेजेंट इन द पैरंथेसिस ये फॉल्स आएगा ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा सो रिडाबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी पैरन्थेसिस का यूज़ किया जाता है यू कैन कंपेयर दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन रिडेबिलिटी इस एक्सप्रेशन की ज़्यादा है सो रिमेंबर पैरंथेसिस का यूज़ हमेशा प्रिसिडेंस ऑर्डर को ओवरराइड करने के लिए नहीं किया जाता रिडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है सपोज आई हैव वन एक्सप्रेशन टू एक्सपोनशियशन ऑपरेटर थ्री एक्सपोनशियशन ऑपरेटर टू इसका रिजल्ट क्या होगा बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे कि टू रेज टू थ्री सबसे पहले इवेल्युएट होगा विच विल रिजल्ट इन टू एट दैन एट एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर टू इट इज़ सिमिलर टू एट स्क्वेयर एंड आउटपुट में आएगा सिक्सटी फोर दिस इज रॉन्ग ये एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर है एंड ये भी एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर है सो दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स टू एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर्स एंड दोनों ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सेम है बोथ आर सेम ऑपरेटर्स सो दोनों का प्रायोरिटी और प्रिसडेंस सेम होगा सो इस केस में पिक्चर में आएगा एसोसिएटिविटी एंड असोसिएटिविटी ऑफ एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट रिमेंबर दिस थिंग सो सबसे पहले राइट वाला जो ऑपरेटर है वो इवेल्युएट होगा सो ये जो एक्सप्रेशन है टू एक्सपोनिन्शिएशन ऑपरेटर टू अगेन एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर टू थ्री यहाँ पे सॉरी सो सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा सो टू एक्सपोनिशिएशन ऑपरेटर थ्री रेस टू टू विच इज़ नाइन एंड देन टू रेज टू नाइन कैलकुलेट होगा विच इज फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व सो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट सिक्सटी फोर इट इज फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व एनी ऑफ द ऑपरेंड इज फ्लोट वैल्यू तो उस केस में रिजल्ट भी फ्लोट वैल्यू हो जाएगा सो दिस इज द एक्सप्रेशन आई है इस एक्सप्रेशन को हमें मैन्युअली इवेलुएट करना है लेट्स चेक अवर अंडरस्टैंडिंग सो इट कंटेन्स मल्टीपल ऑपरेशन एक्सपोनिशिएशन ऑपरेटर है एडिटिव ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड देन मॉड्यूलर ऑपरेटर एंड देन माइनस ऑपरेटर सबसे पहले वॉट एवर प्रेजेंट इन द पैरथिस वो इवेल्युएट होगा सेम एक्सप्रेशन होगा टू एक्सपोनशियशन ऑपरेटर थ्री पॉइंट जीरो प्लस फोर इन टू फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स मॉड्यूलो फोर सिक्स को फोर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है टू आता है सो so यहाँ पे टू आएगा माइनस सेवन अब ये इवेल्युएट होगा बाय यूजिंग प्रिसीडेंस ऑर्डर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक्सपोनशिएशन की टू रेज टू थ्री पॉइंट जीरो आंसर विल बी 8.0 पॉइंट जीरो प्लस फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई टू माइनस सेवन देन इससे ज्यादा प्रायोरिटी है मल्टीप्लीकेटिव एंड डिविजन ऑपरेटर देन दैट ऑफ प्लस एंड माइनस सो यहाँ पे आइदर मल्टीप्लीकेटि ऑपरेटर इवेल्यूएट होगा और डिवीज़न दोनों का सेम प्रायोरिटी है तो so, एसोसिएटिविटी कहता है कि लेफ्ट वाला सबसे पहले इवेलुएट होगा फोर इंटू फाइव ट्वेंटी देन डिवाइडेड बाई टू माइनस सेवन देन डिवीजन होगा एट पॉइंट जीरो प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू इट इज टेन बट डिविजन ऑपरेटर रिटर्न फ्लोट वैल्यू सो टेन पॉइंट जीरो माइनस सेवन देन प्लस एंड माइनस दोनों का सेम प्रायोरिटी है एसोसिएटिविटी कहता है कि लेफ्ट वाला इवेलुएट होगा एट प्लस टेन इट इज़ एटीन पॉइंट जीरो माइनस सेवन and 18 minus 7 is 11 result will be float because one of the operand is float so result is 11.0 आप ये expression print करके देख सकते हैं चलिए देखते हैं 11.0 आएगा answer so वही expression मैंने copy किया है print करता हूँ that expression 11 print होगा 11.0 here you go and जो पहला expression हमने देखा था जिसमें दो exponentiation operators थे टू एक्सपोनेशियशन ऑपरेटर थ्री अगेन एक्सपोनशिएशन ऑपरेटर टू सेव करता हूं एंड इस केस में फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व आएगा नॉट सिक्सटी फोर सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पाइथन में कैसे वर्क करता है विल सी यू नेक्स्ट टाइम